नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आरटी अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में बच्चों अपने अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अध्याय 1 में धाराएं हैं दो। कितनी है धारा? है 2। और अध्याय 2 में है धारा है 3। इसके अलावा अपन ने चर्चा की थी अध्याय 3 की। अध्याय 3 में 6 है। कितनी है? 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 6 धाराएं हैं आपके अध्याय 3 में। अध्याय 3 में 6 धाराएं हैं, जबकि अध्याय 4 जो कि सबसे बड़ा अध्याय है आरटी अधिनियम का, जो सबसे बड़ा अधिकार है बच्चों, वो है आपका अध्याय 4, जिसमें की धारा 12 से लेकर 28 तक जिसमें उल्लेख है। अब बात आती है कि धारा 12 से लेकर 28 तक है क्या। पिछले वीडियो में हमने धारा 12, धारा 13, धारा 14 और धारा 15 के बारे में अध्ययन किया था। धारा 12 में मैंने आपको बताया था कि 25% जो दुर्बल बच्चे हैं, 25% बालकों को, उनको प्रवेश दिया जाएगा जो दुर्बल वर्ग से है, जो असुविधाग्रस्त बालकों से है, उन बालकों को बिना किसी शुल्क के विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा और उनकी शिक्षा का भार किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है धारा 13। धारा 13 में क्या है? धारा 13 में कहा है कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, लॉटरी के द्वारा प्रवेश लिया जाएगा, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है धारा 15। देखो बच्चों, धारा 15 में क्या बात है? धारा 15 में कहा गया है कि अगर बच्चा निर्धारित समय में प्रवेश लेने नहीं आता है और निर्धारित दिनांक के बाद प्रवेश लेने के आता है, तो इस आधार पर उसको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात निर्धारित दिनांक के बाद भी अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए आता है तो विद्यालय को उसको एडमिशन देना पड़ेगा। ये धारा 15 में कहा गया है। धारा 16 में कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो कि प्रारंभिक शिक्षा है, इस प्रारंभिक शिक्षा में किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। हर बच्चे को प्रारंभिक पूर्णता प्रमाण पत्र देना होगा, लेकिन जनवरी 2009 में नो डिक्टेशन नीति के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो 1 से लेकर 8वीं तक में जो फेल नहीं करने का प्रावधान है उसको हटा सकती है और कह सकती है कि अगर कोई बच्चा पास होने लायक नहीं है तो उस बच्चे को फेल किया जा सकता है। बाकी हमारा आरटी अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। अब आता है बच्चों धारा 17। धारा 17 में क्या है? धारा 17 में कहा है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित टीचर के द्वारा नहीं किया जा सकता। टीचर के द्वारा बच्चे को मानसिक व शारीरिक रूप से उत्पीड़न अगर दिया जा रहा है तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कौन सा आयोग है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहां पर जाकर के आप टीचर की शिकायत कर सकते हैं। बच्चे को डंडा मारना, पीटना, उठक बैठक, मुर्गा बनाना, ऐसी जो भी एक्टिविटी टीचर के द्वारा की जा रही है उस पर आरटी अधिनियम ने क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी बच्चे से गलत व्यवहार टीचर नहीं कर सकता, शिष्टाचार का व्यवहार करेगा, शारीरिक व मानसिक रूप से बच्चे को किसी भी तरह का अगर उत्पीड़न देता है तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की जा सकती है। तो धारा 17 कहती है कि बच्चे को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न से पीड़ित नहीं किया जा सकता। धारा 18 कहती है
कि बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता, हर विद्यालय को मान्यता लेनी होगी। बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है बच्चों धारा 19। धारा 19 में कहता है कि मान लो कोई विद्यालय बिना मान्यता के स्थापित हो चुका है, तो अगर वो मान व मानकों को पूरा नहीं करता है तो उस पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है धारा 20। धारा 20 में क्या है बच्चों, धारा 20 में कहा गया है विद्यालय के मान व मानक, मतलब ये है कोई विद्यालय स्थापित हो चुका है तो 3 वर्ष के अंदर अंदर उसको खेलकूद का मैदान कहाँ है, पुस्तकालय कहाँ है, कंप्यूटर लैब कहाँ है, आपका साइंस लैब कहाँ है, तो कौन सा कक्ष आपका क्राफ्ट कक्ष है, कंप्यूटर कक्ष कौन सा है, अलग सेमिनार कक्ष कौन सा है, तो ये सारी चीजें एक स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए। टीचर कितने हैं, कितने बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था की गई है, ये सारी चीजें मान व मानकों के अंतर्गत आती है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में विद्यालय के मान व मानकों का उल्लेख धारा 20 में मिलता है। उसके बाद आता है बच्चों धारा 21। सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यालय की जो संजीवनी है वो है धारा 21। देखो बच्चों धारा 21 में क्या है, विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति जिसको हम SMC कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल जो आपकी है, विद्यालय प्रबंध समिति SMC, इस SMC को हर प्रारंभिक विद्यालय में 1 से 8 तक के विद्यालयों में SMC का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्य संख्या होगी 16। विद्यालय प्रबंध समिति जो होगा उसमें दो चीजें होगी। विद्यालय प्रबंध समिति में गांव के अभिभावकों को, जो बालकों के जो अभिभावक है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, और इन अभिभावकों के द्वारा विद्यालय की प्रबंध व्यवस्था कैसी होगी इसके बारे में इस विद्यालय प्रबंध समिति में डिस्कस किया जाता है। और जितने भी राष्ट्रीय समारोह आयोजित किए जाते हैं उन राष्ट्रीय समारोह में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाती है। तो धारा 21 में क्या है, धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख है, जिसमें बालक के अभिभावकों को इसका सदस्य बनाया जाता है, और SMC का गठन हर प्रत्येक विद्यालय में जो कि 1 से 8 तक के अंतर्गत संचालित है उनमें इस विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, इतनी है बच्चों 16, जिसमें से अभिभावक सदस्य है 11, और जो 16 है उनमें से 50% कौन होगी, महिलाओं का चुनाव किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख किसमें है, धारा 21 में। अब बात आती है बच्चों किसकी, धारा 22। धारा 22 में है कि जो आपकी विद्यालय प्रबंध समिति है वो 3 वर्ष की विद्यालय विकास योजना बनाएगी। उसमें आपका विद्यालय विकास योजना में गत वर्ष की जो प्लानिंग्स थी उसकी ऊपर चर्चा की जाएगी, वर्तमान जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी, आगे आने वाले सालों पे किन किन चीजों पर जोर दिया जाएगा, समय सारणी किस तरीके से बनाई जाएगी, क्लास का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा, क्लासरूमों में कौन कौन सी कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, खेलकूद के मैदान में किन चीजों को समाहित किया जाएगा, आपका भंडारण कक्ष है उसमें किन किन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है विद्यालय विकास योजना में शामिल किया जाता है। कौन से टीचर के द्वारा किन किन विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, किन किन बंधुओं को किस किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये विद्यालय विकास योजना के अंग माने जाते हैं।
जो कौन बनाता है, एसएमसी बनाती है, विद्यालय प्रबंध समिति बनाती है। कितने वर्ष की योजना होती है ये? 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है। फिर आता है बच्चों धारा 23 में कहा गया है शिक्षक की योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए। आप सब जानते हो अगर हम 1 से लेकर 8वीं तक अगर टीचर पढ़ाते हैं तो हमारा बीएड होना जरूरी है। शारीरिक शिक्षक बनता है तो उसका बीपीएड होना जरूरी है। आप खुद बीएड धारी इस बात को समझ सकते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन का उल्लेख आरटी की धारा किसमें है? 23 में है कि आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि जो मतलब केंद्र सरकार की शिथिलता मान लो, या आदिवासी जहां पर जनजाति है, जहां पर कोई बीएड धारी बच्चा ही नहीं है, बीएड धारी स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो वहां पर 5 वर्ष की शिथिलता अध्यापक को प्रदान की जा सकती है कि वो पढ़ाने के 5 साल के अंदर अंदर शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करे, शिक्षक बनने की क्वालिटी को हासिल करे, बीएड की डिग्री हासिल करे। 2015 तक केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया कि 2015 तक अब तक जितने शिक्षकों को नियुक्त किया जा चुका है उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको डिग्रियां दी जाएगी। ये हमारी केंद्र सरकार ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शिक्षकों की योग्यता का उल्लेख धारा किसमें मिलता है? धारा 23 में मिलता है। अब आता है बच्चों धारा 24। 24 में है शिक्षकों की नियुक्ति योग्यताएं और उनके दायित्व। इस शिक्षकों के जो दायित्व है वो क्या होंगे बच्चों? एक तो स्कूलों में नियमित रूप से आएंगे, पाठ्यक्रम का संचालन समय पर करेंगे, अतिरिक्त कक्षाएं, अगर बच्चा जो मंद बुद्धि बालक है या शारीरिक रूप से विकलांग बालक है या अधिकम है समर्थता वाला बालक है, अगर एक कक्षा में नहीं सीख पा रहा है, प्रतिभाशाली बालक है, उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और टीचर के द्वारा उनकी अतिरिक्त कक्षाएं ली जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों प्रशिक्षण विभाग। सरकार द्वारा जो भी सेवारत प्रशिक्षण दिया जाता है उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को हिस्सा लेना होगा। प्रति सप्ताह 45 कालांश, 1 सप्ताह में 45 क्लासेस उस टीचर को लेनी होगी। ये हमारा आरटी अधिनियम की धारा 24 कहती है। क्या कहती है? कि स्कूलों में नियमित रूप से उपलब्ध होंगे, पाठ्यक्रम को संचालित समय पर करेंगे और पूरा करेंगे, अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करेंगे। प्रशिक्षण सरकार द्वारा जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रति सप्ताह 45 कालांशों को में पढ़ाएंगे वो टीचर। ये बात कही गई है बच्चों धारा 24 में। अब बात आती है धारा 25 की। धारा 25 में क्या है बच्चों? देखो धारा 25 में कहा गया है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा, शिक्षक किस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो धारा 25 में कहा गया है बच्चों कि 0 से 30 तक जो 1 से 6 तक के जो विद्यालय है ना बच्चों, कक्षा 1 से लेकर 6 तक के जो विद्यालय है वहां पर अगर 30 की संख्या तक स्टूडेंट्स है तो उन पर 2 टीचर की नियुक्ति, पहले 1 था, अब बोला गया है कि न्यूनतम 2 टीचर होना अनिवार्य है। 30 तक अगर स्कूल में बच्चे हैं तो वहां 2 टीचर होंगे। अगर वहां 31 से 60 के बीच में अगर स्टूडेंट्स है तो वहां पर 2 टीचर होंगे। अगर किसी विद्यालय में 61 से लेकर 90 तक के बीच की संख्या वाले विद्यार्थी है तो वहां पर टीचरों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसके अलावा 91 से 120 तक की अगर संख्या है स्टूडेंट्स की तो वहां पर 4 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा 121 से 150 तक की अगर स्ट्रेंथ है बच्चों तो वहां पर 5 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, और अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक होगा, और अगर 200 से अधिक है तो 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा। कितने विद्यार्थियों पर? 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर होगा।
एक से छह तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे वो पूरे साल भर में 800 घंटे पढ़ाने होंगे और 200 दिन उनके कार्य दिवस होंगे। एक सप्ताह में 45 कालांश डेढ़ और 200 से अधिक संख्या होने पर 40 और 1 का अनुपात रहेगा। लेकिन जहां पर स्कूल 6 से 8 तक संचालित है बच्चों, वहां पर 1 से 35 तक एक टीचर होगा, 36 से 70 तक दो टीचर होंगे और 71 से 100 तक तीन टीचरों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आता है कि जो 100 से ज्यादा अगर है तो एक प्रधानाध्यापक होगा और 100 से अधिक की अगर संख्या है तो वहां पर 40 स्टूडेंट्स पर एक टीचर की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखी कौन सी धारा, धारा 25। अब बात आती है बच्चों किसकी, धारा 26 की। धारा 26 में कहा गया है कि किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक रिक्त पद नहीं हो सकता। हर विद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व होगा। उसके बाद आता है 27। आप जानते हो आरटी अधिनियम से पहले टीचर की हर कार्य में ड्यूटी लगा दी जाती थी जिससे स्कूल कार्य बाधित होता था, बच्चों की अधिगम क्रिया प्रभावित होती थी, बच्चे पूरे साल भर में बिना टीचर के अभाव के पढ़ नहीं पाते थे। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 27 में कहा गया है कि टीचर्स को जनगणना, चुनाव और आपदा, अगर कहीं पर भी आपदा आ गई है तो उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैसे कि अभी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए टीचर्स को अभी अलग अलग कार्यों में लगाया जा रहा है कि भोजन की व्यवस्था करनी है, जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं उन सेंटर्स पर ड्यूटी दिलवाई जा रही है, स्कूलों को ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। तो इस तरह के जो आपदा आ रही है उस आपदा के कार्यों में शिक्षकों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया चुनाव के कार्य में टीचर्स को लगाया जा सकता है, जनगणना के कार्यों में शिक्षक को लगाया जा सकता है। तो ये कौन सी धारा कहती है बच्चों, धारा 27 कहती है। उसके बाद आता है धारा 28 जो कहती है कोई भी सरकारी टीचर किसी भी बच्चे को निजी ट्यूशन नहीं देगा, उस पर प्रतिबंध है। अगर किसी भी टीचर को क्लास अतिरिक्त लेनी है तो वो स्कूल में ही निशुल्क तरीके से लेगा। तो हमारा आरटी अधिनियम साफ कहता है कि निजी ट्यूशन किसी भी बच्चे की नहीं ली जा सकती। तो बच्चों आपने देखा अध्याय 4 जो कि सबसे बड़ा अधिनियम है उसमें धारा 12 से लेकर 28 तक किस तक है, 12 से लेकर 28 तक किसका उल्लेख है, अध्याय 4 में धारा 12 से लेकर 28 तक क्या है। देखो 12 में है 25% क्या दिया जाएगा, आरटी में छूट दी जाएगी। धारा 13 में कहा है प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। धारा 14 में कहा गया है आयु के आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 15 में कहा गया है कि निर्धारित दिनांक के बाद भी अगर कोई प्रवेश लेता है तो उसको प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 कहती है किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन जनवरी 2009 में नो डिटेंशन नीति के तहत राज्य सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी बच्चे को फेल भी कर सकते हो। ये राज्य सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद आता है बच्चों धारा 17। धारा 17 में कहा गया है कि शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किसी भी टीचर द्वारा किसी भी विद्यालय या विद्यालय विद्यार्थी को नहीं दिया जा सकता। अगर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वह बाल अधिकार संरक्षण आयोग में इसकी शिकायत कर सकता है। धारा 18,
धारा 18 में कहा गया है कि बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता, और धारा 19 में 1,00,000 रुपए का क्या लगा सकता है, अगर विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं तो उस विद्यालय पर 8,00,000 का क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 20 में विद्यालय के मान और मानक बताए गए हैं कि विद्यालय में खेल का मैदान भी होना चाहिए, सुनिश्चित जगह पर संगीत कक्ष होना चाहिए, कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, पुस्तकालय कक्ष होना चाहिए, भंडार कक्ष होना चाहिए। तो सभी प्रकार की सुविधाएं स्कूल में अवेलेबल है या नहीं है, इसके लिए विद्यालय के मान व मानक पूरा कर रहा है, और इसके लिए 3 साल का टाइम दिया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों धारा 21। धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय होंगे उनको विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करना होगा, जिसमें 16 मेंबर है, 11 सदस्य अभिभावक होंगे, 16 में से 8 क्या होगी, महिलाएं होगी, आधी 50% महिलाएं होगी। और धारा 22 की अगर हम बात करें तो ये विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। उसके बाद आता है धारा 23। धारा 23 में शिक्षक की योग्यता की बात कही गई है कि जहां पर अगर केंद्र सरकार द्वारा शिथिलता बरती गई है, आदिवासी इलाके हैं, तो वहां पर 5 वर्ष की टीचर को शिथिलता दी जा सकती है। 2015 तक उसको जो भी शिक्षक नियुक्त है उनको केंद्र सरकार द्वारा SSA के कार्यक्रम के तहत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका धारा 24 में कहा गया है कि टीचर को स्कूल में नियमित आना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण में भाग लिया जाना चाहिए और प्रति सप्ताह इतने का लांस लिए जाने चाहिए। धारा 25 में कहा गया है कि कक्षा 1 से 6 तक का अगर कोई विद्यालय है, 30 बच्चे वहां पर 2 शिक्षक होने चाहिए, 60 बच्चे हैं वहां पर 2 शिक्षक होने चाहिए, 90 है वहां पर 3 होने चाहिए, 91 से 120 है वहां पर 4 टीचर होने चाहिए, और 121 से 150 के बीच की अगर वहां पर संख्या है तो वहां पर 5 शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर 150 से ज्यादा है तो वहां पर प्रधानाध्यापक होगा, और 200 से अधिक वहां पर विद्यार्थियों की संख्या है बच्चों तो वहां पर किसकी व्यवस्था की जाएगी, वहां पर 40 विद्यार्थियों पर 1 टीचर की व्यवस्था की जाएगी। प्रति जो ईयर है 800 घंटे उस टीचर को पढ़ाने हैं और 200 कार्य दिवस टीचर के होंगे, कौन सी कक्षा 1 से 6 तक, और कक्षा 6 से 8 की अगर हम बात करें तो 1000 घंटे होंगे, 220 कार्य दिवस होंगे, 1 से 35 तक 1 टीचर होगा, 36 से 70 तक 2 टीचर होंगे, 71 से 100 तक 3 टीचर होंगे, 100 से अधिक अगर स्टूडेंट है तो 40 विद्यार्थियों पर 1 टीचर होगा। इसके अलावा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी है वहां पे 100 से अधिक संख्या होने पर 1 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। तो ये 25 में है। 26 में कहा गया है कि किसी भी स्कूल में 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं होने चाहिए। 27 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जनगणना, चुनाव और आपदा, इन 3 कार्यों के अलावा शिक्षकों की ड्यूटी किसी अन्य कार्य में नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षक कार्य क्या होता है, बाधित होता है। उसके बाद आता है 28 में कहा गया है कि निजी ट्यूशन नहीं दी जा सकती। तो आज आपने अध्याय 4 की धारा 12 और 28 के बीच का अध्ययन किया, कल हम आगे की धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। आगे के अध्यायों में आपके अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय था जिसका उल्लेख धारा 12 से लेकर 28 तक मिलता है। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप नव भारती परिवार स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, और जो बोर्ड पर लिखाए हुए मेरे नोट्स हैं उनको ध्यान से लिखें, ध्यान से सुने और कॉपी में नोट डाउन करें। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।